जीतने वालों को मेरा सलाम। अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। ऐसा करते करते आप अपनी ब्रीदिंग को नोटिस कीजिए, अपने शरीर के पोस्चर पर ध्यान यानी अवेयरनेस ले जाइए। जैसे अगर बैठे, लेटे या खड़े हैं तो शरीर में प्रेशर कहाँ महसूस हो रहा है? गर्दन व पीठ में कोई टेंशन तो नहीं है? क्या इस बीच आपको वीडियो सुनने में कोई कठिनाई हुई या ऐसा करते हुए आप डिस्टर्ब हुए? अक्सर जवाब होगा बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको सब कुछ और क्लियरली समझ आ रहा होगा और ऐसा भी लग रहा होगा कि सब कुछ थोड़ा धीमे हो रहा है, क्योंकि जो मन इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकता था, जिसमें कई तरह के विचार आ सकते थे, वो मन इस समय हमारी ब्रीदिंग और शरीर के प्रति अवेयर है। ऐसी स्थिति जिसमें मन पूरी तरह किसी काम या क्रिया में लगा हुआ हो और विचारों से खाली हो, उसे जानशिन कहते हैं। ये जानशिन का छोटा सा प्रैक्टिकल अनुभव है। जेन, बूडो, केंडो, अकीदो, कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट्स में इसके अलग अलग मतलब हैं। इस वीडियो में जेन मास्टर की नज़रों से जानशिन को करीब से देखेंगे। वीडियो देखते हुए अपनी ब्रीदिंग पर अवेयरनेस लाते रहिए। बात 1920 की है। यूजिन हेरिकल तीरंदाजी सीखने जापान चले गए। ये बड़े जज्बे की बात थी। यूजिन जर्मनी में प्रोफेसर थे। वे अपना परिवार लेकर जापान आ पहुंचे। उनको आशा थी कि टोक्यो यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ाएंगे और कुछ ही सालों में जापान की जेन पद्धति से क्योदो यानी तीरंदाजी भी सीख लेंगे। लेकिन यूजिन के आशाओं पर पानी फिर गया। पिछले 4 सालों में उन्होंने कुछ ज़्यादा तीरंदाजी नहीं सीखी। उन्हें अब लगने लगा था कि परिवार को जापान में बसाकर उन्होंने बड़ी गलती की। यूजिन हेरिगल ने जापान पहुंचकर बड़ी मुश्किल से आवा केंजो को उन्हें क्योदो सिखाने को मना लिया। उस समय आवा केंजो जापान के सबसे बड़े क्योदो मास्टर माने जाते थे। यूजिन शुरुआत में बड़े उत्साहित और कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जैसे समय निकलता गया वैसे यूजिन की कला में कोई तरक्की नहीं थी और इसी वजह से आज 4 साल बाद यूजिन निराश थे। एक दिन उन्होंने अपने मास्टर से शिकायत की, समय निकलता जा रहा है, मुझे जल्द ही वापस जाना होगा। मास्टर कहते हैं कि गोल के रास्ते को समय से नहीं नापा जाता, फिर हफ्ते, महीने और सालों का क्या मतलब? यूजिन ने उस दिन फैसला किया कि वे अब समय को लेकर चिंता नहीं करेंगे, केवल प्रैक्टिस पर ध्यान लगाएंगे। असल में मास्टर आवा केंजो की सिखाने की शैली भी एक्सट्रीम थी। उन्होंने 4 साल यूजिन को निशाना नहीं लगाने दिया। 4 साल तक यूजिन ने खड़े होने, सांस लेने और धनुष पकड़ने की प्रैक्टिस करते रहे। जब तीर चलाने की प्रैक्टिस करते तो बड़े से भूसे के ढेर पर तीर छोड़ते। दिन हफ्तों और महीनों में बदलते रहे। यूजिन अपने गुरु की बात पर टिके रहे। खास इम्प्रूवमेंट न होने के बावजूद वे हर दिन प्रैक्टिस के लिए आते रहे। फिर करीबन 1 साल बाद आवा केंजो ने अचानक एक दिन यूजिन को फाइनल टेस्ट के लिए बुलाया। उस दिन 5 साल की ट्रेनिंग की परीक्षा थी। टेस्ट के समय कई लोगों की भीड़ थी और यूजिन ने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच बड़ी आसानी से अपने सारे टेस्ट पूरे किए। टेस्ट के बाद आवा केंजो कहते हैं कि आज वो दिन है जब गुरु और शिष्य अलग अलग नहीं रहे। तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 साल में यूजिन हेरिगल में इतना बदलाव आया कैसे? एक बार प्रैक्टिस करते समय मास्टर केंजो कहते हैं कि दिक्कत तुम्हारी सोच है। जितना तुम अपने आप से कोशिश करोगे कि तुम सीख लो और निशाना लगा लो, उतनी मुश्किल तुम्हें होगी। उस समय यूजिन चुप रहे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि जब तक वो निशाना नहीं लगाएंगे तब तक निशाना नहीं लगेगा। इस सोच में गलत क्या है? फिर कुछ दिनों तक उन्होंने अपने मास्टर की बात मानने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उन्होंने मास्टर से शिकायत की तो आवा केंजो कहते हैं कि निशाना तुम्हारी परेशानी नहीं है, तीरंदाजी की तरफ सोच तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं टारगेट को ऐसे देखता हूँ जैसे वो मुझे दिखाई ना हो। हेरिगल, जो इतने समय से इस फिलोसफिकल बातें सुन रहे थे, उनके मुंह से निकल गया, फिर तो आप आंखों पर पट्टी बांधकर अंधेरे में निशाना लगा लेंगे। जापानीज तहजीब में ये एक बड़ी गलती थी। फिर मास्टर ने बोला, यूजिन तुम मुझे रात में मिलो। आगे जो हुआ वो यूजिन की ज़िंदगी बदल देगा। देर शाम को दोनों प्रैक्टिस हॉल में मिले। प्रैक्टिस हॉल में अंधेरा था। मास्टर अंधेरे में कुछ देर खड़े रहे, फिर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी। उसके बाद अंधेरे में उन्होंने एक तीर छोड़ा। यूजिन कहते हैं कि पहला तीर सप करके लगा।
मैं आवाज से ही समझ गया था। फिर मास्टर ने एक के बाद एक दो तीर और छोड़े। मैंने दौड़कर लाइट जलाई तो देखा तीनों तीर एक ही निशाने पर लगे हैं। उस दिन यूजीन हेरिगल को अपने गुरु पर यकीन हुआ। मास्टर अवेकेंजो के पास सिखाने को एक ही चीज थी, जानशिन, जिसमें कहते हैं एवरीथिंग इज एमिंग, सब कुछ निशाना है। आपका निशाना वैसा ही लगेगा जैसा आपका चलना, खड़ा होना, सांस लेना, तीर निकालना और धनुष पकड़ना है। जानशिन वो अवस्था है जिसमें दिमाग रिलैक्स्ड और चौकन्ना रहता है, मतलब चौकन्ना रहना दिमाग का नेचर है और इसके लिए दम नहीं लगाना पड़ता। दोस्तों, लेकिन एम विदाउट एमिंग का क्या मतलब है? सचिन और विराट कोहली दोनों अलग अलग इंटरव्यूज में एक ही बात कहते हैं, जब मैं खेलता हूँ तो दिमाग को शांत कर लेता हूँ और शॉट्स अपने आप लगते हैं, क्योंकि जिंदगी भर से इसी सबकॉन्शियस माइंड और शरीर को ट्रेन किया है, उसे पता है कि कब क्या करना है। यही अवाकेंजो यूजीन को बताने की कोशिश कर रहे थे कि निशाना लगाते वक्त टारगेट के कारण अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दो, टारगेट को ऐसे देखो जैसे टारगेट है ही नहीं। उस दिन हेरिगल ने कंसंट्रेशन का सही मतलब सीखा। जानशिन का लिटरल शाब्दिक मतलब है मन जिसमें कोई विचार ना हो, टारगेट या गोल का भी नहीं। ऐसा मन जो विचारों से पूरी तरह खाली होता है, वो पूरी तरह रिलैक्स्ड और अलर्ट होता है। इसलिए जानशिन को रिलैक्स्ड अवेयरनेस और नो माइंड या रिमेनिंग माइंड भी कहते हैं। शुरुआती दिनों में मास्टर ने यूजीन को जानशिन की सबसे पहले सीख दी। क्योदो में धनुष बहुत बड़ा होता है और इसे खींचने में ताकत लगती है। जब यूजीन धनुष खींचते तो उनके हाथ कांपते। मास्टर कहते हैं सबसे पहले रिलैक्स करो, इसमें इतनी ताकत नहीं लगती। कुछ दिन कोशिश करने के बावजूद यूजीन रिलैक्स नहीं कर पाए। तब मास्टर कहते हैं कि यूजीन केवल सांस पर ध्यान दो, जैसे इसके अलावा तुम कुछ और कर ही ना रहे हो। अंत में कोशिश करते करते यूजीन ने जानशिन की कला सीख ली। अपनी किताब जेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी में यूजीन हेरिगल कहते हैं कि ये कोई टेक्निकल ट्रिक नहीं थी, बस मन को पूरी तरह शांत करना है। जब आप काम करते करते या तीर चलाते चलाते अपनी सांस पर कंसंट्रेट करना सीखते हो, तब बाहर और अंदर के डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान नहीं कर सकते। जानशिन को ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आपकी कला है, जो भी आपके रूटीन के काम है, उन्हें पूरे कंसंट्रेशन से कीजिए और बची हुई अवेयरनेस अपने ब्रीदिंग और ज़रूरत पड़े तो शरीर पर रखिए। इससे पीछे चलने वाला दिमाग शांत हो जाएगा और आप आश्चर्य करेंगे कि आपका कंसंट्रेशन एफर्टलेस हो गया है। जो काम कठिन या बोरिंग लग रहा था, वो कितने आराम से हो गया। इसलिए हमने वीडियो में ब्रीदिंग पर अवेयरनेस लाने को कहा था, जिससे आपको जानशिन का छोटा सा अनुभव यही मिल जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कंसंट्रेशन पर स्वामी विवेकानंद और दंडपाणी के विचार आप यहाँ देख सकते हैं। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।